आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलिक एड ड्रॉप्स या फिर कोलिक एड सिरप आप कह सकते हैं। तो कोलिक एड ड्रॉप्स क्या है, इसके घटक द्रव्य की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, कौन सी कंपनी इसको बनाती है, कौन कौन सी कंडीशन में आपके डॉक्टर द्वारा ये दिया जाता है या फिर कौन सी कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं, इसको लेने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, किस प्रमाण में बच्चों को डॉक्टर द्वारा ये दिया जाता है, इसको लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, मार्केट में इसके सब्स्टिट्यूट क्या क्या अवेलेबल हैं, किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसकी कीमत कितनी है, कहां से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। कोलिक एड ड्रॉप्स देखिए, यह पीडियाट्रिक मेडिसिन है, छोटे बच्चों को दी जाने वाली दवा है, जो कि यदि उनमें पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या रहती है बच्चों में, बेबीज़ में, उनको दी जाती है। इसके घटक द्रव्यों की अगर हम बात करें तो इसमें रहता है डिल ऑयल, डिल ऑयल मतलब सोया का तेल, और इसमें रहता है फेनल ऑयल, फेनल ऑयल मतलब सौंफ का तेल। तो ये दोनों हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं। और इसमें रहता है सेमिथिकॉन, जो कि एक एंटी फोमिंग मेडिसिन की तरह काम करता है, मतलब पेट की जो गंदगी रहती है, पेट से जो एयर रहता है उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसको बनाने वाली कंपनी है मेयर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इसको कौन कौन सी कंडीशन में आपको दिया जाता है, आपके बच्चों को दिया जाता है, देखिए, यदि बच्चों को किसी भी तरीके का पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मरोड़े उठ रहे हैं, या फिर उनका जो गैस है बाहर नहीं निकलता है, या फिर उनका जो इंटेस्टाइन मूवमेंट है वो बहुत कम हो गया है, पेट में इंटेस्टाइन में मोटे जो खाना खाते हैं वो अच्छे से बराबर नहीं हो रहा, घूम नहीं रहा है, उसमें देते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो सके। जब खाना इंटेस्टाइन में मुंह अटक जाता है तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, ये इसको मूवमेंट कराने के लिए मदद करता है। यदि बच्चे को बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, उसमें दिया जाता है। और ये डिस्पेप्सिया के केस में दिया जाता है, मतलब बच्चों को भूख ना लगना, ऐसी कंडीशन में दिया जाता है। और बच्चों के जो पेट में जो मसल्स रहते हैं वो एकदम सिकुड़ जाते हैं, स्पैज़म हो जाता है, उससे भी रिलीव करने के लिए बच्चों को दिया जाता है। आइए अब हम चर्चा करेंगे इसके डोसेज के बारे में कि किस प्रमाण में आपको डॉक्टर ये बच्चों को लेने को बोलते हैं। देखिए, यदि आपके बच्चे की उम्र 0 से लेकर 8 महीने तक है तो उसको 3 से 5 बूंदें जब ज़रूरत होती है तब आपको देना है। इसको देखिए, 30 मिनट आपको बच्चों को फीडिंग करा रहे हैं तो उससे 30 मिनट पहले ही देना है। यदि बच्चे की उम्र 1 महीने की है, 1 महीने से 3 महीने तक की है, तो उसको 0.5 ml आप दे सकते हैं, या फिर 3 महीने से 6 महीने का बच्चा है उसको 0.7 ml दे सकते हैं, 6 महीने से बड़ा बच्चा है 1 ml उसको आवश्यकता अनुसार देना चाहिए। यदि बेबी के अगर वेट की हम बात करें तो बेबी का वेट अगर 10 kg से कम है उसको 0.5 ml आवश्यकता पड़ने पर देना चाहिए। बेबी का वेट 10 केजी से ज्यादा है उसको 0.5 ml से लेकर 1 ml तक जरूरत पड़ने पर दिया जाना चाहिए। यदि और आपके डॉक्टर जैसे हिसाब से आपको इसका सेवन करने को बोल रहे हैं उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस ड्रॉप्स को यूज करने के बाद क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफेक्ट्स पे एक नजर डाल लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, पेट में बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, पेट फुला फुला लगना, सीने में जलन होना, चक्कर आना, दस्त लग जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, दस्त के कारण एकदम थकावट हो जाना, बच्चे को डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। आइए अब हम जानते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जिन बच्चों को या फिर जिन लोगों को इसके कंपोनेंट से एलर्जी है, जो कि है सोया तेल, सौंफ तेल, सेमिथिकॉन, उससे अगर आपको एलर्जी है तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कोलिक एड ड्रॉप्स यह एक ब्रांड है, इसके जो कंटेंट है वो है डिल ऑयल, फेनल ऑयल, सेमिथिकॉन, तो यही सब कंटेंट वाले अलग अलग कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट्स उतारी हैं मार्केट में, तो उनमें भी यही कंटेंट होता है। कुछ और ब्रांड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो कि है गैस्ट्रिका ड्रॉप्स, कोलिक एड ड्रॉप्स, फ्लैटुना ड्रॉप्स, कोली ग्रैंड ड्रॉप्स, फोलीफिक्स, मैकडेस, सेप्टिकेन, कोलिक रिलीफ, थम्सअप लिक्विड, तो इन सब में भी यही कंटेंट होता है। आइए जान लेते हैं कोलिक एड ड्रॉप्स का मार्केट में कीमत कितना है। कोलिक एड ड्रॉप्स आपको
65 रुपये में 15 ml का कोलिकेट ड्रॉप्स मिल जाता है, 65 रुपीज़ में 15 ml का कोलिकेट ड्रॉप्स मिल जाता है। अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है, आप इसको नज़दीकी अपने मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी जनरल फार्मेसी में आसानी से पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कोलिकेट ड्रॉप्स के बारे में जितनी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में दी है, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उसको दबाने से हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को जिनको ज़रूरत रहती है उनके साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है, मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।